नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सिलवानी नगर में बेलगाम अतिक्रमण और बेलगाम यातायात व्यवस्था आम नागरिकों के सिर में दर्द पैदा करी हुई है। आप जहां देखेंगे बेतुके ढंग से वाहन खड़े करने वाले अपनी मर्जी से वाहन खड़े करते हैं, लोगों की चिंता और परवाह नहीं करते हैं। उनकी सुविधा के अनुसार वो अपने रोडों पर वाहन लगा देते हैं, जहाँ चाहे जहाँ मर्जी अपने वाहन खड़े कर देते हैं और यहाँ वहाँ बाजार करने के लिए चले जाते हैं, जिससे आने जाने वाले वाहनों को, लोगों को, राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जहाँ जाए तो दुकानदारों का भी कहा जाए तो यही हाल है कि दुकान का सामान भी आधे रोड पर फैला रहता है, जिससे कि वाहन आने जाने में और पैदल चलने वालों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ना नगर पंचायत इस पर ध्यान दे रही है, ना कोई पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है, ना शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान जाता है। वहीं कुछ समाजसेवी और सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि कई बार दुकानदारों को भी समझाया गया है, कई बार गाड़ी वालों को भी समझाई दी गई है, लेकिन कुछ दिन के लिए तो माहौल सुधर जाता है, उसके बाद फिर क्यों के त्यों माहौल होने लगता है। अब देखना है कि लोग कब जागरूक होंगे और लोग कब सुधरेंगे, अतिक्रमण कब अपनी मर्जी से हटाएंगे या फिर प्रशासन को सख्ती करना पड़ेगा।